हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी कर रहे थे हम लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। ओके, चैप्टर नंबर 6 क्या था? डिवीजन। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 6 डिवीजन स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करते हैं ये हम लोगों ने फाइंड अप किया था। ओके, 30 ऑब्जेक्ट को अगर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। ओके, नाउ इन दिस क्लास व्हाट विल स्टडी? इस क्लास में क्या स्टडी करेंगे? डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन के थ्रू कि जो हमें नंबर जो दिया हुआ है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में 0 नहीं आ जाता। ओके, तो फिर ये चेकआउट करेंगे कि हमने इसे कितने टाइम्स डिवाइड किया है। ओके, क्या चेकआउट करेंगे कि हमने इसे कितने टाइम्स डिवाइड किया है। ओके, सो जो जितने टाइम्स हम डिवाइड करेंगे वो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? जैसे 28 बाई 4, 28 को 4 से डिवाइड किया हुआ है, सो क्या करेंगे? 28 से 4 माइनस करेंगे, देन जो आंसर आता है उसमें से भी 4 माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आता है उसमें से 4 माइनस करेंगे। मतलब 28 माइनस 4 24, 24 माइनस 4 20, 20 माइनस 4 16, 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 4 4, एंड देन 4 माइनस 4 इज 0। लास्ट में 0 आंसर आ गया हमारे पास। सो ये क्या होता है? डिवीजन कितने टाइम्स हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, कितने टाइम्स डिवाइड किया? 7 टाइम्स। सो 28 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है हमारे पास? 7। ओके, सो सेम प्रोसेस हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.2 में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन फर्स्ट, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या करना है? जो फॉलोइंग जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना है। ओके, ए क्या है? डिवाइड 40 बाई 5। क्या करना है? 4 डिवाइड 40 बाई 5, मतलब 40 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे कब तक? जब तक हमारे पास आंसर 0 नहीं आ जाता। ओके, स्टार्ट करते हैं। आंसर 40 माइनस 5 35, देन 35 माइनस 5 30, देन नेक्स्ट 30 माइनस 5 25, 25 माइनस 5 20, 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 5, एंड 5 माइनस 5 0। आंसर लास्ट में हमारे पास 0 आ गया। 0 से आगे हम बढ़ नहीं सकते तो हमने यहां तक स्टॉप कर दिया। ओके, कितने टाइम सब्ट्रैक्ट किया हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टाइम किया हमने? 8 टाइम्स। सो 40 डिवाइड बाय 5, 40 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू आंसर कितने टाइम हमने सब्ट्रैक्ट किया? कितने टाइम्स किया? 8 टाइम्स। सो 40 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 8 इज आंसर। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चन बी, सी एंड डी आपको सॉल्व करना है। सेम यही प्रोसेस रहेगी कि हमें जो जैसे यहाँ 70 गिवन है, 70 में से 10 हम माइनस तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में आंसर 0 नहीं आ जाता। एंड आपको बुक में सॉल्व नहीं करना है, बुक में
अनसफिशियंट स्पेस है, ओके, सफिशियंट स्पेस नहीं है, सो आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, ओके. नेक्स्ट क्लास में क्या स्टडी करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन, कि एक नंबर लाइन पे डिवीजन कैसे किया जाता है, वो हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, बाय.